अभी ना हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे ओके, कि जो हमारे पास जो टीएलडी रिकॉर्ड्स आते हैं विच इज द रिफ्लेक्ट लाइक, जो टीएलडी रिकॉर्ड्स जो है वो क्या है, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल मॉनिटरिंग करेक्ट, क्योंकि इंडिविजुअल वर्कर्स के डोज जो है वो उसके इस टीएलडी रिकॉर्ड्स में, डोज रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है करेक्ट। हम एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं, कैसे रीड करना है डोज में राइट, और इन इंडिया बिफोर 2019 जो डोज रिकॉर्ड जो डोज रिकॉर्ड जो आता था वो डोज रिकॉर्ड जो था वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आता था राइट, एंड आफ्टर 2019 डोज रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट चेंज हुआ है करेक्ट। तो पहले देखते हैं कि बिफोर 2019 डोज जो था वो किस फॉर्मेट में आता था और उसको कैसे रीड करेंगे करेक्ट। 2019 के पहले का फॉर्मेट जो है और उसमें क्या है, एक कॉलम नेम का है, तो यहां पे जो रेडिएशन वर्कर जो है उसका नाम है, नेम ऑफ रेडिएशन वर्कर, ये पोजीशन है कि किस पोजीशन पे टीएलडी वे वॉज वोन, तो कहां पहना था उसने, सो इट इज सी इंडिकेट्स फॉर द चेस्ट और डब्ल्यू इंडिकेट्स फॉर द रेस्ट करेक्ट। तो चेस्ट पे जो उसने टीएलडी पहना था उसमें होल बॉडी डोज मेजर करते हैं चेस्ट टीएलडी से करेक्ट, और वो इन्फॉर्मेशन कहां पे देता है, एट द डेप्थ ऑफ 10 ml करेक्ट। और ये होल बॉडी डोज का जो कॉलम जो है वो यहां पे कॉलम में यही चार क्वार्टर होते हैं, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, और ये चीज जो होता है ये यहां पे ये चार कॉलम्स होते हैं इसी का। यहां का यदि आप जूम करेंगे ये पर्टिकुलर चीज को, तो जूम करके आपको क्या मिलने वाला है, ये वाला चीज मिलने वाला है करेक्ट, अप टू 4। सो हमने क्या किया है, यहां पे एक लास्ट वाला अक्टूबर टू दिसंबर की एंट्री दिखा रखी है, दिस इज ए हाइपोथेटिकल एंट्री, रियल नहीं है, हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए हमने एक डेटा बना लिया करेक्ट, ताकि हम समझ पाए कि कैसे हम इसको रीड करते हैं फाइन। सो अक्टूबर दिसंबर पीरियड्स में ये मान लो इसका चेस्ट का डोज जो था वो 0.80 mSv है राइट, क्योंकि ये जो है अक्टूबर दिसंबर वाले कॉलम में है, तो इसलिए अक्टूबर दिसंबर के पीरियड में, और ये चेस्ट इधर से आता है रो में आता है, तो चेस्ट की रीडिंग कितनी थी वो इंडिकेट करेगा। सिमिलरली अक्टूबर दिसंबर के पीरियड में रिस्ट की रीडिंग क्या थी वो इंडिकेट किया 1.50 करेक्ट। अब देखो यहां पे उस समय क्या था, सर्विस पीरियड था एक, और सर्विस पीरियड के नीचे लिखा हुआ सर्विस फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद का कॉलम क्या है, करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर में टोटल डोज कितना था, मतलब ये जो है समड है ऑल क्वार्टर का, सो टोटल डोज इसको चेस्ट की रीडिंग जो थी वो कितनी थी, 5.30 करेक्ट। अब इसमें देखो एक अलग से दिखा रहा है कि यहां पे क्या बीटा का डोज करेक्ट, और दूसरा क्या लिखा है, करंट ईयर बीटा डोज, दो चीज लिखे हुए, ये बीटा डोज जो है राइट, ये इस अक्टूबर दिसंबर वाला पीरियड का है, और तीसरा जो चेस्ट में रीडिंग पहनी थी वो जो हमारा टीएलडी जो है, आप टीएलडी में क्या देख रहे हो कि वो एक्सरे गामा के डोज को मेजर करेगा और प्लस बीटा के डोज को भी मेजर करने के लिए उसमें फैसिलिटी है करेक्ट। तो चेस्ट वाले की रीडिंग जो थी वो अक्टूबर दिसंबर में राइट, ये जो थी वो होल बॉडी की थी करेक्ट, एक्सरे गामा की बेसिकली, और ये रीडिंग जो है 0.00 बीटा के डोज,
उसके बीटा विंडो में जो डोज मिल रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे करंट ईयर का बीटा डोज बता रहा है, मतलब कि करंट ईयर का बीटा डोज का मतलब कि इस ये तो सिर्फ आपको अक्टूबर दिसंबर वाला पीरियड था, पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का यहाँ पे जोड़ लिया, समझिए जितना जो बीटा डोज जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इट ओके, क्लियर। उसी तरह से अब रिस्ट पे आ जाओ, रिस्ट की रीडिंग ये अक्टूबर दिसंबर में जो पीरियड है इस पर्टिकुलर पीरियड में उसकी चेस्ट रिस्ट की रीडिंग कितनी थी 1.50 मिलीसीवर्ट। ये करंट ईयर का रिस्ट रीडिंग यहां पे माइनस ये नहीं दिखा रहा है, देखो ठीक है ब्लैंक है, बीटा का डोज ब्लैंक है, करंट ईयर बीटा डोज ब्लैंक है, करेक्ट। यहां पे देख रहे हो, अब देखो यहां पे रिस्ट पे आ जाओ, क्योंकि उसने क्या किया था रिस्ट का पाना हुआ था ना, ये कॉलम होल बॉडी डोज के लिए था, ये सारा वाला, ये वाला पार्ट ऊपर भी देखोगे तो बनेगा, ये यहां तक का कॉलम जो था ये होल बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसलिए ये कॉलम जो थे ब्लैंक थे उस समय पर, करेक्ट। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ रिस्ट डोज में, करेक्ट। रिस्ट डोज में क्या आ रहा है, यहां पे देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्स ऑब्लिक जी प्लस बी, मीन्स एक्सरे गामा रेज प्लस बीटा का डोज, और यहां इस कॉलम में आएगा, और ये किसके लिए रिस्ट के लिए स्पेस के लिए, तो रिस्ट वाले कॉलम में आ गया, देखो 1.50 करेक्ट प्लस 0.0 बीटा को, मतलब इसको रिस्ट वाले रीडिंग में रिस्ट वाला जो बैच जो था उसमें उसको एक्सरे गामा का डोज मिला है, लेकिन बीटा विंडो में उसको कोई डोज नहीं मिला था, इसलिए यहां पे 0.0 करेक्ट। तो टोटल जो हो गया वो 1.50 मिलीसीमीटर हो गया, करेक्ट इस करंट ईयर में, ओके। और यहां पे करंट ईयर का मतलब सॉरी असेसमेंट पीरियड का, असेसमेंट पीरियड का अक्टूबर दिसंबर का है, और करंट ईयर में ये 1.5 ये सारा जोड़ लिया, मतलब सारा मीन्स अक्टूबर दिसंबर के पहले वाला भी, जनवरी से लेकर के अभी तक 6.05, मतलब पहले 4.5 मिलीसीवर्ट उसको लग चुका है पहले वाला क्वार्टर में, राइट, एंड नाउ इट हैज बिकम 6.05, ओके समझ गए। तो पहले क्या हो रहा था कि बीटा डोज को हम लोग अलग मेंशन कर रहे थे दोनों टीएलडी में, चेस्ट वाले टीएलडी में भी बीटा को अलग मेंशन कर रहे थे, और रिस्ट वाले में भी हम लोग बीटा को अलग गामा एक्सरे गामा और बीटा को अलग अलग मेंशन कर रहे थे। नाउ आफ्टर 2019 एआरबी ने डिसीजन लिया कि नहीं हम अलग अलग नहीं मेजर करेंगे, अब हम सिर्फ दो ही पार्ट में करेंगे, या तो होल बॉडी नहीं तो स्कीन डोज, राइट। अब टीएलडी तो वही है, बाकी चीज तो चेंज नहीं हो रहा, करेक्ट। तो अब ये समझना है कि स्कीन डोज वो कैसे डाल रहे हैं, करेक्ट, ये चीज है ना। और डिफिनेशन हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या बताया हमने डेफिनेशन में बताया कि एट द डेप्थ ऑफ 0.07 जो है वो क्या बताएगा, स्कीन डोज बताएगा, और डोज मेजर एट द डेप्थ ऑफ 10 mm होल बॉडी डोज बताएगा, करेक्ट। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, एक्सरे गामा जो है वो क्या करेगा, 10 mm तक तो उसको पेनिट्रेट करना ही करना है, एक्सरे गामा जो होगा उस लेवल तक जाएगा, राइट। बीटा जो होगा वो स्किन के सरफेस पे ही चला जाता है, वो स्किन से नीचे नहीं जाता, तो स्किन पे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, समझिए। तो उन्होंने क्या किया, बीटा वाले डोज को अलग कर दिया स्किन में कर दिया, और गामा वाले को होल बॉडी में ले लिया, समझिए क्लियर। होल बॉडी डोज जो आएगा वैसे करके आएगा, क्लियर। अब देखो चेस्ट यहां पर भी स्किन में डोज लग सकता है, और रिस्ट में भी स्किन पे डोज लगेगा, तो बेसिकली
रिस्ट वाला का स्क्रीन डोज जो बीटा का डोज जो था वो स्क्रीन डोज उन्होंने बताया, और चेस्ट वाले में भी जो बीटा का डोज जो आ रहा था उसको स्क्रीन डोज लिख दिया, दैट्स ऑल नथिंग एल्स। बीटा डोज इज जस्ट हैज बीन रिप्लेस्ड एज ए स्क्रीन डोज, बीटा के डोज को ही वो स्क्रीन डोज मान रहे हैं, करेक्ट। एंड दैट मेजरमेंट शोज एट द डेप्थ ऑफ 0.07 mm, करेक्ट। और 10 mm वाला जो है वो क्या है, 10 mm, हाँ वो जो है एक्सरे गामा वाला डोज है जो होल बॉडी इफेक्टिव डोज के लिए लेना है। तो होल बॉडी इफेक्टिव डोज में तो दोनों आ जाएगा ना, होल बॉडी में। और याद रखिएगा होल बॉडी इफेक्टिव डोज के लिए सिर्फ हम लोग चेस्ट वाली रीडिंग ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हमारा डोज लिमिट यदि देखोगे तो दोनों के लिए अलग अलग डोज लिमिट है। जो चेस्ट वाले रीडिंग पे जो आता है डेटा वो उसको होल बॉडी इफेक्टिव डोज से 20 mSv वाले में देखते हैं, समझ गया। और रिस्ट वाला जो डोज है रिस्ट के लिए अलग है 500 mSv डोज लिमिट देखेंगे, समझ गया। तो वो ऐसे करके इंटरप्रेट करना है, गॉट इट। मतलब लिमिट जो है जैसे बोला ना, इफ इट गोज अबव और बिलो, सॉरी अबव रेफरेंस लेवल या डोज लिमिट को यदि वो क्रॉस करने का ऐसा लग रहा है कि इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस, एप्रोप्रिएट एक्शन हैज टू बी टेकन, करेक्ट। तो आपको दोनों के अलग अलग डिसीजन लेवल है, रिस्ट वाला का अलग है और होल बॉडी इफेक्टिव रेट जो है वो करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, चेस्ट वाली रीडिंग को कर रहा है, करेक्ट। एक क्लियरिटी दिमाग में होना चाहिए, करेक्ट। अब आते हैं आफ्टर 2029 जो हमारा जो कॉलम बन के आया वो कैसा है, सिर्फ उन्होंने क्या किया, एक क्वार्टर तो पीरियड रहा होल बॉडी, रिस्क डोज को, रिस्क डोज की बात नहीं लिखी हुई है, वो सिर्फ उसको कन्वर्ट कर दिया स्क्रीन डोज। तो उसका एक सिंपल सिंबल देख लेते हैं, इसको बंद, इसको मिटा देते हैं, सो दैट थोड़ा सा फोकस से हट गया। राइट, स्क्रीन डोज में हमने इधर बना ही रखा है कॉलम। सो आफ्टर 2029 में डेटा कैसे आ रहा है, इधर नाम राइट वो तो सेम ही है, और यहां पे किस पोजीशन पे टेल डेटा, तो चेस्ट पे और रिस्ट पे आ जाए। एक क्वार्टर का, हमने 3 quarters की रीडिंग एंट्री करी है, जनवरी फरवरी, सॉरी जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, यहां तक का रीडिंग है हमारे पास। अब देखो ये सारे टोटल करोगे तो ये टोटल इतना ही आएगा, होल बॉडी का है, चेस्ट वाली रीडिंग, करेक्ट, क्लियर। अब देखो ये रिस्ट वाला में, ये रिस्ट का रीडिंग आ गया, इस क्वार्टर की रीडिंग जो थी वो यही थी जुलाई सितंबर की, ये इधर आकर के टोटल हो गए, ये सारे क्यूमुलेटिव आ गए। अब देखो स्क्रीन डोज में क्या एंट्री कर रहे थे, स्क्रीन डोज में 0.55, राइट 0.55। देखो जुलाई सितंबर में भी डोज लगा उसको, एक डोज यहां पर भी है और ये भी 0.55 है। यदि ये दोनों सेम है, इफ दिस टू वैल्यू, ये वैल्यू जो है और ये, समझिए ये दोनों यदि इक्वल है, If it is equal, इसका मतलब बीटा को डोज, बीटा डोज जीरो है, स्क्रीन डोज जीरो है, मतलब चेस्ट वाले रीडिंग में, चेस्ट वाला टीएलडी जो है उसमें उसको बीटा का डोज नहीं लगा, समझे। लेकिन यदि ये स्क्रीन डोज में यदि ये वैल्यूज बढ़ जाए इससे, तो माइनस करके आप लगा सकते हो कि बीटा का डोज इतना लगा था, समझे, क्योंकि स्क्रीन पे डोज नहीं आया, वो जो जो डी 0.07 लेवल वाला जो है वो रीडिंग नहीं है, वो रीडिंग का वैल्यू जीरो है, करेक्ट। उसी तरह से सिमिलरली यहां पर भी देखो, ये वैल्यूज देखो, यहां पे क्या कर रहे हैं, 0.40 ले रहे हैं रिस्ट को, तो रिस्ट को कितना डोज लगा रिस्ट में, ये देखो इसका टोटल कितना दिखा रहे हो, 0.40 है,
उस क्वार्टर में, राइट। तो रिस्ट वाले रीडिंग पे भी अभी एक्सरे गामा का ही डोज है, क्योंकि ये दोनों रीडिंग बराबर है, समझिए। तो स्किन को स्किन डोज में जो रिप्रेजेंटेशन जो चेस्ट वाले से ऐसा, मतलब आप क्या अस्यूम कर रहे हो कि एक्स्ट्रा बीटा का डोज डिपोजिट नहीं हुआ है, समझिए। बीटा विंडो में कुछ नहीं आया, लेकिन उस स्किन को जो पेनिट्रेट किया वहां पर जो डोज राइट, वो स्किन को भी पेनिट्रेट किया और एट द लेवल ऑफ कितना 0.07 10 mm पे जो डोज लगा वो, समझ गए, क्लियर। ये रीडिंग को ऐसे कोई डाउट है? टोटल बॉडी डोज 10 mm पे है और ये जो स्किन डोज होगी वो 0.07 पे है, हाँ, एट द डेप्थ ऑफ 0.10 ऑफ, यस सर। 10 mm जो डेप्थ है वो टीएलडी के उसमें नहीं, टीएलडी का कुछ नहीं है। देखो उसका मतलब क्या है, जब आप तो टीएलडी पहन रहे हो, इस स्किन ये जो जहां पे हमने लगाया है टीएलडी, तो गामा रेज किसको पेनिट्रेट कर रहा है, हमारी बॉडी को ना, तो हमारी बॉडी के बॉडी सरफेस जो है उसके सॉफ्ट टिश्यू का डोज मेजर करते हैं, और वो सॉफ्ट टिश्यू जो है वो सॉफ्ट टिश्यू सपोज करो ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है, राइट, और ये आपका एंट्री पॉइंट है गामा रे का या बीटा का, जो भी है रेडिएशन का एंट्री पॉइंट है, और ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है, करेक्ट। ये अप टू ये डिस्टेंस जो है, करेक्ट, ये डिस्टेंस जो है आपका 0.07 mm, ये जो है स्किन डोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यहां पे ये सॉफ्ट टिश्यू में ही ये 10 mm जो है, ये डिस्टेंस जो है ये जो 10 mm, इस डेप्थ पे जो डोज जो है वो क्या बता रहा है, होल बॉडी डोज की बात की जा रही है, दिस रिप्रेजेंट्स द होल बॉडी, इसको होल बॉडी डोज मिल रहा है, उसको इंडिकेटर मान रहा है, क्लियर, राइट। जैसे ये ज्यादा आएगा याद रख लीजिए, तो मतलब बीटा का विंडो में आ गया वो, क्योंकि रेडिएशन दोनों से आ रहा है ना, डोज तो आपका दोनों से आ रहा है, इज इट क्लियर। जो यहां पे एंट्री हो रही है वो कैसे हो रही है, बीटा पहले वाला तो समझ में आ ही गया था कि वहां पे बीटा का अलग दे रहे थे, आपका टीएलडी का रीडिंग में दोनों आ रहा है, एक बीटा विंडो भी है और एक एक्सरे गामा का भी डोज मेजर होता है। अब उन्होंने क्या किया, वो बीटा वाला बात हटा दिया, बोला कि अब आपने आपको जो डोज देना है उस तक से नहीं रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट टू कॉलम से देना है, एक स्किन डोज लिखना है और एक होल बॉडी। तो यहां से पता चलेगा स्किन को कितना डोज लगा, चेस्ट वाले एरिया में इतना लगा है और इसको इतना लगा है, और ये दोनों डोज जो है स्किन को जो लगा हुआ है वो किसके चलते लगा, एक्सरे और गामा के चलते लगा, क्योंकि ये दोनों कॉलम जो है वो इक्वल है। जैसे बीटा का आएगा, सपोज मतलब कोई बीटा की हैंडलिंग कर रहा है, तो ये वैल्यूज बढ़ जाएंगे, इधर बने दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस रिपोर्टेड वैल्यूज, इज इट क्लियर। ये ऐसे रीड कर रहा है, ये एग्जाम्पल है आपका इंडिविजुअल मॉनिटरिंग डोज रिकॉर्ड को रीड करने का, ठीक है, थैंक यू।